आकांक्षा दुबे मामले में दिनों दिन बात गंभीर होती ही जा रही है। अभी आपने देखा कि कल ही पवन सिंह आकांक्षा दुबे के घर गए, वहां वो उनकी मां से मिले, साथ ही प्रशासन से गुहार लगाई कि परिवार के साथ न्याय हो, जैसे मानो कि ये पता है पवन सिंह को कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या नहीं की है। वैसे अपने पूरे इंटरव्यू में बार बार पवन सिंह ये कह रहे थे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो आत्महत्या कैसे कर सकती है। खैर, अब आपको हम कुछ और बताते हैं। बताते ये हैं कि समर सिंह की खोज हो रही है और कहा जा रहा है समर सिंह नेपाल भाग चुके हैं। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि समर सिंह आजमगढ़ के रहने वाले हैं और आजमगढ़ से नेपाल का बॉर्डर काफ़ी नज़दीक है और ये कहा जा रहा है कि समर सिंह नेपाल भाग चुके हैं। और तो और अब आपको ये भी बता देते हैं कि समर सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा का आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं समर सिंह। आपको एक फ़ोटो दिखा देते हैं हम इसी फ़ोटो में, और इस फोटो को पोस्ट किया है समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता अखिलेश यादव की दोनों बेटियों ने। जी हां, इनकी दोनों बेटियों ने आदरणीय समर सिंह लिख के इस फोटो को पोस्ट किया है। मानो कि समाजवादी पार्टी के नेता बड़ा सपोर्ट मिल रहा है समर सिंह को समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब ऐसे में जब समर सिंह के लिए ये खबर आ रही कि वो नेपाल भाग चुका है, तो यूपी पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।